नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार सरकार की तरफ से लगातार बिहार वासियों को तोहफे पे तोहफे दिए जा रहे हैं। एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने 3304 पंचायतों में हाई स्कूल की शुरुआत की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सभी भवनों का उद्घाटन किया है। इन सब के अलावा आज इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार काफी अटैकिंग मूड में भी नजर आए। अटैक था विपक्ष पर, लगातार विपक्ष की तरफ से जो आरोप नीतीश कुमार पर या फिर उनकी सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कोई काम नहीं हो रहा, उसका पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने एक बड़ा हमला बोला है। हालांकि उन्होंने इस दरमियान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि बिहार में लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं, हर दिन कुछ नए नए काम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष है जो कि ऐसे दुष्प्रचार करता है कि बिहार में कोई काम ही नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं क्यों कुछ लोगों को इसमें आनंद मिलता है कि बिहार के विकास के कार्यों का दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम काम में विश्वास रखते हैं और हम काम करते रहेंगे। तालीमी मरकज स्वयंसेवक के रूप में हम लोगों ने लोगों को नियुक्त किया, काम में लगाया था उनको आगे और काम बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने अपनी तरफ से कहा कि वे बच्चों को भी देखेंगे और जो महिलाएं हैं उनको भी प्रशिक्षित करने के लिए नहीं, उनको अपना कम से कम अक्षर का अक्षर आंचल नाम दिया उसका कि उसको कम से कम पढ़ना लिखना सिखा देंगे, अक्षर का ज्ञान उनको देंगे। अक्षर का ज्ञान भी नहीं था तो आपको तो पता ही है ना, अभी लोगों को मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा कि जो अक्षर ज्ञान का काम हम लोगों ने शुरू किया उसका कितना लाभ हुआ। 5 से ही हम लोगों ने शुरू किया तो धीरे धीरे जो बिल्कुल ही ये काम था उसमें इस काम को भी हम लोगों ने जोड़ दिया। लेकिन वह तो एक अलग विषय है, वह इससे जुड़ा ही विषय है, लेकिन यह है, लेकिन जिस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरू किया तो माध्यमिक विद्यालय में बच्चे जाने लगे और माध्यमिक विद्यालय में जाने लगे और उसके बाद देखा कि भाई मिडिल स्कूल में लड़कियां बहुत कम जा पाती हैं, तो हम लोगों ने पता किया बगैर लड़कियां क्यों नहीं कम जाती हैं, अगर पंचायत में ही है, बगल में ही है। तब उसका कारण यही था कि गरीबी के कारण लोग अपने बेटियों के लिए कपड़ा का प्रबंध नहीं कर पाते थे। अब मिडिल स्कूल में जाने के लिए लड़कियों की उम्र तो इतनी हो जाती थी कि उसको पहनने के लिए वस्त्र तो देना चाहिए, वो दे नहीं पाते थे इसलिए बच्चों को भेज नहीं पाते थे। तो ये सब काम जो हुआ इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक तो इसको बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का, मिडिल स्कूल में भी लड़कियां कम जा रही हैं तो उनको स्कूल पहुंचाने के लिए उसी में तो पोशाक योजना हम लोगों ने शुरू कराई मिडिल स्कूल में, और बाद में तो पहले क्लास से 12वें क्लास तक उसको हुआ, तो उसके लिए कपड़ा ही नहीं दिया, जूता भी दिया, तो उसको एक एक चीज हम लोगों ने उपलब्ध कराया और बच्चियों की संख्या बढ़ने लगी मिडिल स्कूल में। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई हम 8वें क्लास तक ही बच्चियों को पढ़ाएंगे, इसके आगे भी पढ़ाना चाहिए। तब वो जो आकलन किया गया और तब ये पता चला कि भाई देश बिहार में तो लड़कियों की संख्या 9वें क्लास में तो 1,70,000 से भी कम है इस बिहार में, तो ये बड़ा हुआ कि बहुत कम लड़कियां पढ़ रही। तब उसके लिए हम लोगों ने क्या शुरू किया, लड़कियों के लिए 2008 से साइकिल योजना की शुरुआत कराई। क्या स्थिति रही, अरे भाई पटना शहर में दूसरे जगह लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी, अब गांव गांव में लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने लगी तो कैसा दृश्य उत्पन्न हुआ। कुछ लोग तो मेरी आलोचना जो जानते ही करते रहते हैं तो उस समय लोग कहे कि भाई अभी ये लड़की को भेजेंगे साइकिल पर तब कई तरह की घटना घटेगी, कोई घटना नहीं घटी क्योंकि हर परिवार की लड़कियों को दिया जा रहा था, तो उसका क्या दृश्य उपस्थित हुआ, लड़कियों का मनोबल कितना ऊंचा हुआ। और जब ये 2 साल चलता रहा तो हम जहां जहां गए तो लड़कों ने भी मांग करना शुरू किया कि कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना लागू कर दिया। तो ये सब जो काम शुरू कराया तो उसका नतीजा क्या हुआ, लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। और जिसका हमने जिक्र किया मानव विकास मिशन की बात, उसमें जो हम लोग देख रहे थे तो क्या स्थिति थी, अभी आप लोगों ने भी चर्चा की, प्रजनन दर की चर्चा की, और जो बिहार की स्थिति है ये कितना इसका क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ सकता, लगभग 94,000 स्क्वायर किलोमीटर,
और आबादी कितनी बढ़ती चली जा रही, प्रजनन दर कितना ज्यादा है। जब हम लोग आए थे उसमें प्रजनन दर तो 4.3 था, उस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया तो घट करके 3.2 हुआ। लेकिन जो मिशन मानव विकास के लिए हम लोगों ने कई स्कीम को देखा, उसका जो हम लोगों ने अध्ययन करवाया, तो उसी में ये बात सामने आ गई जिसका जिक्र आप लोग कर रहे थे भैया, कि साहब अगर मैंने पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर में उसका औसत प्रजनन दर 2 था। और बिहार में भी ये आकलन किया गया कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उसका भी प्रजनन दर 2 उस परिवार का।